अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा सरोज सुहेब और इस वीडियो में मैं आपको जल्दी से उन मिथ्स के बारे में बताऊंगा जो कि इस वक्त सोशल मीडिया और मीडिया पे सरफेस कर रही हैं अबाउट कोरोना वायरस। सबसे पहली मिथ है कि कोरोना वायरस कोई मैन मेड वायरस है, जबकि रिसर्च ने बताया कि वायरस जो होता है वो बेसिकली एक मैमल से ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर होता है, और कोरोना वायरस के अंदर भी यही हुआ है कि एक एनिमल कैरियर के अंदर वायरस म्यूटेट होकर इंसान के अंदर ट्रैवल किया और फिर उसके बाद वहाँ पर रेप्लिकेट करके ये मजीद लोगों के अंदर फैलता गया है। नंबर टू, कि मास्क हर किसी के लिए पहनना बहुत ज़रूरी है, ये एक बहुत बड़ी मिथ है, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं, आपकी कोई सीरियस हेल्थ कंडीशन नहीं है, तो आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। ये मास्क को बचाया भी जा सकता है, स्पेशली इस टाइम पे जब एक रिसेशन जो है वो मार्केट के अंदर चलना शुरू हो गया है, और जो लोग जिनके लिए एक्चुअली ज़रूरी है कि वो मास्क पहने, उनको भी वो फराम नहीं हो सक रहा। नंबर थ्री, कि अगर आप हैंड ड्रायर्स यूज़ करते हैं तो आप कोरोना वायरस को मार सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी मिथ है, क्योंकि कोरोना वायरस बगैर किसी टेम्परेचर का लिहाज किए एग्जिस्ट करता है। नंबर फोर, कि अगर आप क्वारंटीन में जा रहे हैं तो आप कम्प्लीटली आइसोलेट हो जाएंगे, जो कि हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी मिथ है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा एडवांस कर चुकी है, आप ईजिली अपने मोबाइल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ पर कम्प्लीटली आइसोलेट हो जाएंगे। नंबर फाइव इन द फाइनल वन इज़ कि कोरोना वायरस आपको डेफिनेटली मार देगा। दिस इज़ अ ह्यूज मिसकंसेप्शन, क्योंकि कोरोना वायरस का मॉर्टैलिटी रेट इज़ लेस देन 1%, स्पेशली अगर आप कम्प्लीटली हेल्दी हैं या आपकी कोई सीरियस हेल्थ कंडीशन नहीं है या आपकी एज 60 से कम है। ये वायरस उन पर ज़्यादा अफेक्ट करता है जो कि बुज़ुर्ग हैं, यानी कि क्रॉस कर रहे हैं 60s को, और इसके अलावा अगर किसी को सीरियस हेल्थ कंडीशन है। Alright, that's all with all the myths that you need to know about coronavirus जो कि इस वक्त सर्फेस कर रही है मीडिया पे। और आखिर में मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप जो भी इंफॉर्मेशन देखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या मीडिया पे हो, डोंट बिलीव इट राइट अवे, उसके ऊपर अपनी रिसर्च भी करें। और WHO या CDC जैसी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जिनको माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर, वहाँ पर जाकर अपने फैक्ट्स को चेक करें। इसी के साथ कोरोना अपडेट्स में अब तक के लिए इतना ही। अगर आप मजीद अपडेटेड रहना चाहते हैं अबाउट ऑल द न्यूज़ रिलेटेड कोरोना वायरस, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। कोरोना अपडेट्स जो है वो जारी रहेगी थ्रू आउट द टाइम जब तक ये पेंडेमिक चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। अपना ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।